झारखंड की समृद्ध संस्कृति इसे वैश्विक स्तर पर एक अनूठा स्थान प्रदान करती है। यहाँ मौजूद विभिन्न कला शैली इतिहास एवं मानव सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों के इर्द गिर्द घूमती है, खासकर अगर यहाँ मौजूद नृत्य शैली की बात की जाए। झारखंड के लोक नृत्य की बात छिड़े तो सर्वप्रथम मन में छऊ नृत्य का ख्याल आता है। ये एक मूक नृत्य शैली है, यह किसी भी प्रकार के संवाद की उपस्थिति नहीं है। नर्तक के मन में भावनाएं तो बहुत है, किंतु चेहरे पर लगा मुखौटा उसे दर्शकों तक पहुंचने नहीं देता। इन प्रतिबद्धताओं के बावजूद सामने बैठा हर व्यक्ति नृत्य के प्रस्तुति के दौरान संगीत की धुन और नर्तक की चाल से हर भावना पढ़ लेता है। प्रेम, क्रोध, विरह, करुणा, कुछ भी छुप नहीं पाता। ये मुखौटे न सिर्फ प्रदर्शन में जान फूंक देते हैं, बल्कि बयां हो रहे हर अध्याय को जीवंत कर देते हैं। आश्चर्य और सम्मोहन से भर देने वाला यह झारखंड का विरासत नृत्य है, यह छऊ नृत्य है। ये अद्भुत मुखौटे, मुखौटों पर बिखरी हुई सतरंगी होली और इसे धारक किए हुए नर्तक हमारे राज्य की संस्कृति का अभिन्न अंग है। वैसे तो हमारा पूरा देश ही सांस्कृतिक विविधताओं का कुटुंब है, लेकिन अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ का जो लोक नृत्य है छऊ, उसकी कुछ और ही बात है। इसकी उत्पत्ति झारखंड राज्य के सरायकेला में बताया जाता है और उसका पता 18वीं शताब्दी में लगता है, जब यहाँ के आदिवासी समुदाय अपने पर्व त्योहारों में इस नृत्य की प्रस्तुति करते थे। इस बार हमारी कोशिश है कि ये जो नृत्य है इसके हर पहलू को हम आपके सामने लेकर आएँ। शुरुआत तो हो ही चुकी है, तो निकल चलते हैं इस यात्रा पर। इस शैली के उचित ऐतिहासिक अभिलेखों की कमी के कारण यह पता लगाना काफी मुश्किल है कि छऊ नृत्य कितना पुराना है। इतिहासकारों का कहना है कि इस नृत्य की शुरुआत एक सैनिक छावनी से हुई थी। इस नृत्य में मुख्यतः नर्तक अपनी आंतरिक भावनाओं एवं विषय वस्तु को शरीर के समस्त क्रियाओं के माध्यम से प्रकट करते हैं। छऊ नाम की उत्पत्ति हमेशा चर्चा का विषय रहा है। कुछ लोगों के अनुसार छऊ शब्द छौनी से आया है, जिसका अर्थ है छावनी, जो नृत्य की मार्शल आर्ट पृष्ठभूमि और पाइका सैनिकों के साथ इनके संबंधों पर जोर देता है, जिन्होंने मनोरंजन के रूप में नृत्य प्रदर्शन का मंचन किया होगा। वहीं कुछ का मानना है कि यह शब्द छई या छटक से आया है, जबकि अन्य इसे संस्कृत शब्द छवि या छाया से आया हुआ बतलाते हैं, जिसका अर्थ है मुखौटा। छऊ की सभी शैलियां मार्शल आर्ट अभ्यासों के समान पृष्ठभूमि साझा करती हैं, जिन्हें परिखंडा के रूप में जाना जाता है। इस नृत्य का कोरियोग्राफ प्रकृति एवं मानव जीवन के गहन अवलोकन के बाद किया गया है। यही वजह है कि इसमें शैलीबद्ध चाले, उदाहरण के लिए बाघ चाली, मयूर चाली, खेल या तलवार चलाने की विविधताएं और रोजमर्रा की मानवीय गतिविधियां शामिल हैं। ऐसा कोई औपचारिक पाठ नहीं है जो छऊ नृत्य के लिए नियम निर्धारित करता हो, और इसलिए इस नृत्य शैली के बारे में ज्ञान पारंपरिक शिक्षाओं और गुरुओं के मार्गदर्शन में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक साझा किया गया है। इस नृत्य की जन्मभूमि सरायकेला खरसावा को माना जाता है। यहीं से यह नृत्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल गया है। छऊ नृत्य आमतौर पर तीन शैलियों में किया जाता है, पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ और मयूरभंज छऊ। प्रत्येक शैली की अपनी अनूठी विशेषताएं होती हैं, और यह अपनी वेशभूषा, मुखौटों और संगीत से एक दूसरे से अलग होती है। छऊ नृत्य तीन प्रकार के होते हैं, मानभूम छऊ जिसे अब हम पुरुलिया छऊ के नाम से जानते हैं, दूसरा है मयूरभंज छऊ और तीसरा है सरायकेला छऊ। ये जो तीनों ही हैं इसकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन पहनावे और श्रृंगार में थोड़ी भिन्नताएं दिखती हैं। अगर हम मयूरभंज छऊ की बात करें तो इसमें मुखौटे का इस्तेमाल नहीं होता है, और बाकी जो दो छऊ हैं उसमें मार्शल आर्ट्स का प्रयोग होता है। ये जो नृत्य है ये अक्सर हमारे सामाजिक जो रूप है उसके अलावा संस्कृति से प्रेरित होती है, हमारी पौराणिक कथाओं से ये प्रेरित होती है, और उसी की कहानी को इस नृत्य के जरिए दर्शाया जाता है।
पुरुलिया मानभूम शैली में विशाल मुखौटे का प्रयोग होता है। यह नृत्य वीर रस का नृत्य है जिसमें विशाल जीवन शक्ति और पौरुष की श्रेष्ठ पराकाष्ठा का प्रदर्शन होता है। सरायकेला शैली काफी शांत शैली मानी जाती है। इसमें शक्ति की पराकाष्ठा का प्रदर्शन होता है। आमतौर पर इस नृत्य को करने वाले नर्तक मुखौटा स्वयं तैयार करते हैं। पुरुलिया छऊ के मुखौटे सरायकेला छऊ की तुलना में अधिक यथार्थवादी होते हैं। राक्षसों के मुखौटे या तो हरे या फिर लाल रंग के होते हैं जिनमें विचित्र चेहरे के भाव होते हैं। महिषासुर का मुखौटा उसके क्रूरता का प्रदर्शन करता है। गणेश का मुखौटा हाथी की सूंड से युक्त होता है। इन मुखौटों में कलाबाजी करतब दिखाने के लिए बहुत अधिक शारीरिक शक्ति और कौशल की आवश्यकता होती है क्योंकि ये काफी बड़े और भारी होते हैं। जोरदार छलांग, कई लुभावनी कलाबाजी और कंधों और धड़ का ऊर्जावान रूप से हिलना पुरुलिया छऊ को आसानी से पहचानने योग्य बनाता है। संभवतः इस जबरदस्त मर्दानगी के कारण प्रसिद्ध लोकगीतकार डॉक्टर आशुतोष भट्टाचार्य ने पुरुलिया छऊ को आदिवासी युद्ध नृत्य के रूप में वर्णित किया है। पुरुलिया छऊ की कोरियोग्राफी देवताओं, राक्षसों और पौराणिक नायकों से जुड़ी विभिन्न झड़पों का वर्णन करने वाले अध्याय पर केंद्रित होती है, जैसे महिषासुरवध, किरात और अर्जुन के बीच युद्ध का चित्रण और लव कुश प्रसंग। सत्रों में साउथ कोरिया गए थे ICCR से, और जो भी है मेरा गुरुजन है गुरु तपन कुमार पटनायक जी भी है, और सते सते और गुरुजन भी है, और ऐसा है कि ये आदिवासी मानभूम छौनित्य कला केंद्रों का जो भी संस्था हमारा है, रजिस्ट्रेशन संस्था है, संस्था का हम लोग काम भी करते हैं छो का माध्यम से, और सब काम में हम लोग जुड़े रहते हैं। जो भी सामाजिक बोलिए, जो भी हर क्षेत्र में हम लोग जुड़ के रहते हैं। जो भी है हम लोग का ये सब बारे में, ये लड़का लोग सबको स्टाइपिंग होना चाहिए, पेंशन गुजर वयस्क आदमी को होना चाहिए, ये सब का बारे में जो भी है सरकार को ये थोड़ा सोच विचार में उसको। छऊ की तीन शैलियों में सरायकेला सबसे अधिक गीतात्मक और शैलीबद्ध है। इसके कुछ टुकड़े अपने मार्शल आर्ट चरित्र को बरकरार रखते हैं। परंपरागत रूप से छऊ का प्रदर्शन केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था, किंतु यह बात काफी दिलचस्प है कि 36 में से 18 उफलिस यानी वह मूल शैलीगत रचनाएं जिसमें विभिन्न दैनिक गतिविधियों को चित्रित करने के लिए केवल पैरों का उपयोग किया जाता है, एक गृहिणी की रोजमर्रा की दिनचर्या का वर्णन करते हैं। सरायकेला छऊ का भंडार विशाल है क्योंकि इसमें एकल नृत्य कला, युगल और समूह नृत्य भी शामिल है। लगभग 22-25 साल से छऊ में सीख रहा हूँ, और मैं बचपन से जब गवर्नमेंट जो छऊ डांस सेंटर था तो मैं तपन पटनायक सर ही गुरु थे, उन्हीं के मार्गदर्शन से ही मैं डांस सीखा हूँ, और बचपन में आके करता हूँ, सबको देखता था तो इंटरेस्ट बढ़ते गया मेरा छऊ में। तो देखा जो उसके बाद धीरे धीरे जो बेसिक स्टाइल है छऊ का उसको मैं पहले सीखा, और धीरे धीरे एक एक डांस तपन सर के द्वारा मैं सीख गया। और बेसिकली मैं तीन छऊ में एक ही चीज़ देखा, जो कि हमारे सरायकेला छऊ एक क्लासिकल बेस में आता है, जो कि सरायकेला छऊ में हम लोग मास्क पहना जाता है, और पुरुलिया छऊ
और आपका जो मरवन छो जो कि विदाउट मास्क से यूज होता है। मयूरभंज छौ शास्त्रीय और मार्शल आर्ट विधाओं का मिश्रण है, जिसे लोक और शास्त्रीय संगीत की संगत में प्रस्तुत किया जाता है। इस शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नर्तक दूसरे दो रूपों की तरह नकाब या मुखौटे का उपयोग नहीं करते। यहाँ नकाब का उपयोग केवल पशु पात्रों के लिए किया जाता है। पिछले कुछ दशक में राज्य के विभिन्न हिस्सों में छऊ की कुछ नई शैली भी उभर कर आई है। इनमें शामिल है खरसावा छऊ। मयूरभंज शैली से प्रेरित इस नृत्य में कलाकार मुखौटे का इस्तेमाल नहीं करते। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने भावों को, अगर मुखौटा पहन लें तो हम अपने भावों को सही ढंग से प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, तो हम उसके बदले, चूँकि छऊ का अर्थ ही छाया है, प्रतिबिंब है, तो हम लोग अपने चेहरों को मास्क, तूलियों से, रंगों से, साज सज्जा से बदलते हैं और अपनी भाव भंगिमा के जरिए अपने नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। आपने देखा कि हमने ढोल का प्रयोग किया। हमारे जो साज हैं, ढोल है, नगाड़ा है, सहनाई है, मादर है, बांसुरी है, जो हमारे पारंपरिक साज हैं, उन्हीं परंपरा को हम लोग निर्वाह करते हैं और उन्हीं साज के बदौलत हम अपना संगीत प्रस्तुत करते हैं। मैं पहले मांगे डांस करती थी, फिर धीरे धीरे हमने देखा एक स्टेज में, यहीं पर ही हुआ था स्टेज, और यहाँ छऊ डांस हुआ, और हम जब देखे कि सब बच्चा लोग डांस कर रहा है छऊ का, तो हमको लगा कि मुझे भी करना चाहिए। और फिर मुझे छोटा से ही डांस में बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब डांस करेंगे, अपना नाम कमाएंगे। और ये ख़ास बात है कि हम हो गया अभी 7 साल हम कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे, मेरा इच्छा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है तो इस बार हम स्कॉलरशिप भी पाए हैं, जो मेरे गुरु लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं कि हम इतना दूर पहुँचे और आगे भी पहुँचते रहेंगे। में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न मुखौटे वाकई इसे बहुत अनूठा बनाती हैं, किंतु इस नृत्य में पारंगत हासिल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कलाकार का चेहरा दर्शकों के लिए अदृश्य होता है, इसलिए भावनाओं को शरीर की गतिविधियों के साथ साथ मुद्राओं, गर्दन की सूक्ष्म गतिविधियों और सिर के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। बताया जाता है कि पहले के समय में बांस और लौकी से बने मुखौटे बनाए जाते थे, लेकिन बाद में उनकी जगह कागज के लुगदी से बने मुखौटों ने ले ली। मुखौटे अपेक्षाकृत हल्के होते हैं और वे कलाकार के पूरे चेहरे को ढकते हैं और आंखों और नाक के लिए छोटे छेद बने होते हैं। मुखौटा निर्माण की पूरी प्रक्रिया काफी जटिल है। झारखंड राज्य में काफी कम ऐसे कलाकार हैं जो व्यावसायिक रूप से मुखौटे का निर्माण करते हैं। बचपन से ही ऐसे मुखौटे का काम करता हूँ। पहले नदी से मिट्टी लाना पड़ता है, उसके बाद वो जो राख है, राख थोड़ा मुखौटा के बनने बाद राख देना पड़ता है, उसके बाद वो जो मैदा है, मैदा को आग में बॉयल करना पड़ता है आधा घंटा मिनिमम। मिट्टी काला होता है तो इमली का जो पाउडर मिलता है उससे बॉयल करने के बाद जो आटा निकलता है उससे पाउडर निकल के खड़ी मट्टी हो जाता है। पहले राप सफ़ेद कलर, उसके बाद कलर होता है, जो रॉ कलर होता है वो पाउडर मिलता है, पाउडर है, पिंक है, सब कलर, जैसा मुखौटा वैसा कलर, पिंक होता है और ऑरेंज होता है, दुर्गा जो दुर्गा जी का होता है वो कमला कलर होता है, कार्तिक का गुलाबी कलर, शिव जी का सफ़ेद कलर, वो जैसा मुखौटा वैसा कलर हो गया।
तब लास्ट में वो पाली जो वार्निश होता है वार्निश गैलेज, वो जो गैलेज दिख रहा है ना, वार्निश दिया हुआ है, लास्ट फिनिशिंग है वार्निश, और रेडी हो गया मुखौटा। यह मुखौटे दिखने में जितने आकर्षक होते हैं, इन्हें पहनकर परफॉर्म करना उतना ही कठिन होता है। यह मुखौटे नर्तकियों की दृष्टि को सीमित करते हैं और सांस लेने में कठिनाई भी पैदा करते हैं। कुछ मुखौटे प्रकृति में विचारोत्तेजक होते हैं और पात्रों का गीतात्मक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। रात्रि या रात जिसकी आंखें आधी बंद है, क्रूर योद्धा या घोड़ा, कृष्ण का सुंदर नीले रंग का चेहरा एवं अन्य मुखौटे खूबसूरती से स्टाइल की गई भावों के साथ तटस्थ अभिव्यक्ति को बरकरार रखते हैं, जो कुशल नर्तकियों को अपने अंगों की गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न भावनाओं को चित्रित करने की अनुमति देता है। वर्तमान में छऊ का प्रदर्शन पूरे वर्ष भर होता है, लेकिन पारंपरिक रूप से छऊ चैत्र के महीने में चैत्र पर्व के दौरान किया जाता है। यह अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव को समर्पित एक त्योहार है, जिसके दौरान भक्त तपस्या करते हैं और धार्मिक समारोहों में भाग लेते हैं। छऊ कला रिचुअलिस्टिक डांस फॉर्म है, क्योंकि शिव शक्ति को मानते हैं। छऊ कला नेवर बी डाई, किसी ना किसी रूप में रहेगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि हम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं। धर्म मतलब आस्था से जुड़े हुए हैं। वो आस्था है कि जैसे कि शिव को हम लोग गांजन करेंगे, जैसे सरायकला में इसको हम लोग चड़क पूजा करते हैं, तो पुरलिया में इसको गांजन बोलते हैं, और वहीं आप उड़ीसा में चल जाइएगा उसको बोलते हैं धोंडा यात्रा। और यहाँ जो यात्रा होता है, शुभ घट हो गया, यात्रा घट, वृंदावनी घट और आपका गरियाभार घट और कालिका घट, ये चार घट की महिमा क्या है, सत्य त्रेता द्वापर कली, चार युग की महिमा यहाँ दिखाया जाता है। और अब हम लोग कली युग में हैं। सत्य युग में कौन था ना, शिव पार्वती का, त्रेता में कौन था ना, रामायण का, द्वापर में कौन था ना, कृष्ण का। तो यहाँ की जो कोरियोग्राफी हुई है ना, तो बहुत ही मतलब सुंदर से हुआ है। जैसे मयूर एक राष्ट्रीय पक्षी और मयूर की सुंदरता और इसको वर्णन किया है। वर्षा ऋतु पर हमारा डांस है, वसंत ऋतु पर हमारा डांस है, जैसे मानव जीवन पर नाविक नृत्य है। नाविक नृत्य में आप देखिए कहीं पर फोकलोर भी है, कहीं पर देशराग भी लगा हुआ है, तो बड़ा अच्छा उसका हम लोग का है। वो क्या है, जीवन शैली है। एक नाविक, नाविकानी, हस्बैंड और वाइफ, एक अपना नाव है वो उसको खेते जा रहा है। किसमें खेते जा रहा है, इस भवसागर में, ये संसार हमारा भवसागर है, और दोनों ही प्राणी उसको पार लगाने की कोशिश करता है। जब कभी कभी डूबने लगता है तो निराशा का घड़ी आ जाता है, जब पार कर जाता है, आनंद हो जाता है, तब दोनों मिल के डांस करते हैं। यह हमारा यहाँ की बहुत ही सुंदरता की, हमारे यहाँ के जितने नृत्य हैं अलग अलग है आपका। इस नृत्य में संगीत की अहम भूमिका होती है। परंपरागत एवं लोक संगीत के धुन में यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। तरह तरह के ढोल और नगाड़े का प्रयोग होता है, साथ ही बांसुरी एवं शहनाई का इस्तेमाल भी किया जाता है। ढोल नगाड़ा शहनाई, जैसे शास्त्र में ना पट्ट दुकड़ो बेणु तारा, चार वाद्य यंत्र का हम लोग का उल्लेख किया गया नाट्य शास्त्र में, उसी तरह पट्ट जो ढोल है पिटने से बजता है, दुकड़ो जो झांझ है जो दोनों तरफ से बजता है, बेणु सुसिर जो हवा से बजता है, तारा जो हमारा सितार वगैरह है, तो वो हम यूज करते हैं। ये मांगलिक वाद्य है, दुमदुमी है। नागाड़ा जो नाद ब्रह्म है, नागाड़ा वही होता है जो कि ओम का उच्चारण करे, बड़ा नागाड़ा को लगाएगा ओम करेगा। हम लोगों ने गुरु से सीखा है कि जो उच्चारण करेगा ओम का, वही आपका प्योर नागाड़ा है। रड़े दा डे ने दा। Thank you.
सर्वप्रथम 1937 ईस्वी में विदेश में इस नृत्य की प्रस्तुति की गई थी। महात्मा गांधी के समक्ष भी इस नृत्य को 1941 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। यह अकेला ऐसा नृत्य है जिसमें 7 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इस नृत्य शैली को यूरोप तक पहुंचाने का श्रेय राजकुमार शुदेंदु नारायण सिंह को जाता है, जिन्होंने 1938 ईस्वी में यूरोप में इसका प्रदर्शन किया था। आजादी के बाद से कई हस्तियां और संस्थाएं छऊ को लोकप्रिय बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। इसकी प्रसिद्धि एवं संरक्षण के लिए वर्ष 1960 में सरायकेला जिला में राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र की स्थापना की गई। अपने उम्मीद पर खरा उतरते हुए इस संस्थान ने कलाकारों को प्रशिक्षित करने के साथ साथ उन्हें मंच प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई है। मैं करीब 6-7 साल से छऊ का डांस कर रहा हूँ, और इससे पहले मेरे चाचा लोग भाई लोग भी करते थे, उन्हें देख के हमारा भी कुछ मन ये हुआ करने का, तो अभी तक मैं भी डांस कर रहा हूँ। अभी तक बाहर में भी प्रोग्राम जा चुका हूँ और आगे भी करने का इच्छुक है। और ज़्यादातर सरायकेला छऊ में मास्क लगाने से सिर्फ हम लोग को फ्रंट ही दिखता है, अदरवाइज हम लोग को राइट लेफ्ट का कोई ये नहीं रहता है, बस हम लोग को आगे फ्रंट देख के हम लोग को स्टेज का ये लेना पड़ता है, उसी अंदाज से हम लोग का डांस करना पड़ता है। 2010 में इसे यूनेस्को द्वारा मानवता की अतुलनीय सांस्कृतिक विरासत का दर्जा देते हुए विरासत नृत्य की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। यूनेस्को ने इसे 2010 में इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की मान्यता प्रदान की। इसके पीछे हम लोग को बहुत कड़ी मेहनत है। हम लोगों ने दिखाया कि हम लोग कैसे गांव-गांव के जो महिलाएं हैं, बच्चे जिसे बोले नहीं ढेंकी कूटा, ये क्या है कि मानव जीवन से जुड़ा हुआ हमारा सरायकेला छऊ है। इसके प्रति लोगों की बढ़ती जिज्ञासा को देखते हुए वर्ष 2011 में सिल्ली प्रखंड में राजकीय मानभूम छऊ नृत्य कला केंद्र की स्थापना की गई। इसे एक बाना या रूपक भी कहा जाता है, और मानभूम क्षेत्र में इसकी शिव आराधना के साथ चैत्र संक्रांति के दिन से शुरू होता है और वर्षा के आगमन तक ये चलते रहता है। आजकल वर्तमान में सालों भर राज्य और राज्य के बाहर भी, देश के कोने कोने में और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी मानभूम छऊ नृत्य का प्रचार प्रसार हुआ है, और नित्यदिन यहाँ के कलाकार देश विदेश में जा रहे हैं। हमारा एक राष्ट्रीय धरोहर है, अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है, इसे और हम कैसे प्रचार प्रसार संरक्षण करें, इस दिशा में हम सब कोई मिलकर सरकार से भी आग्रह करेंगे कि आगे आने वाले दिन में खिलाड़ियों की तर्ज पर हमारे कलाकारों को भी इसके प्रोत्साहन हेतु और आगे सरकार इसका पहल करे। आज इन संस्थानों में प्रशिक्षित हो रहे कलाकार देश विदेश में अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। राजकीय मानभूम छऊ नृत्य कला केंद्र सिल्ली से मैं सीख रहा हूँ 2012 से लेकर, और यहीं से लेकर पूरे झारखंड, बिहार, उड़ीसा, देहरादून गया था, उसके बाद दिल्ली गए, जयगढ़ गए, फिर उसके बाद केरल गए, चेन्नई गए, गोवा गए, और हरियाणा, पटियाला, इधर पूरा भारत में पूरा जगह घूम गए हैं। परंपरागत रूप से छऊ का प्रदर्शन पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है, लेकिन 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से कुछ महिला नर्तकियों ने इस नृत्य शैली में दक्षता हासिल करना शुरू कर दिया। झारखंड के मतलब हर स्टेट में मैं प्रोग्राम दे चुकी हूँ, हर स्टेट में प्रोग्राम भी की हूँ, जो भी जहाँ भी मैं परफॉर्म देती हूँ, जहाँ भी डांस करती हूँ, मैं उन्हीं के माध्यम से कर रही हूँ। अभी भी मैं तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ जानती हूँ बोल के मैं नहीं कह सकती, अभी मैं सीख रही हूँ, उनसे ही सीख रही हूँ।
अभी तो मैं ना के बराबर ही सीखी हूँ, बहुत कम ही सीखी हूँ, लेकिन हाँ तपन सर के वजह से मेरे को अभी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। एक दो परफॉर्मेंस ही हुए हैं जो कि मैं बाहर जाकर अभी दे पाई हूँ। उसमें ऐसा है कि फीमेल आर्टिस्ट बहुत कम है यहाँ पे, और अभी जैसे जैसे डे बाई डे ग्रो हो रहा है इस फील्ड में, तो मतलब यही चाहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके इसमें लड़कियाँ भी पार्टिसिपेट करें, तो उससे क्या होगा कि उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और यहाँ के लिए भी, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होता जाए। यह देखना काफ़ी दिलचस्प है कि पुरुलिया छऊ के कलाकार आमतौर पर स्वदेशी समुदायों से होते हैं और उस क्षेत्र के छऊ कलाकारों के लिए कोई महत्वपूर्ण शाही संरक्षण नहीं है। मयूरभंज छऊ को शाही परिवार का समर्थन प्राप्त था, लेकिन यह केवल सरायकेला छऊ में था जहां शाही परिवार के सदस्यों ने न केवल संरक्षण प्रदान किया बल्कि नर्तक और कोरियोग्राफर के रूप में भी छऊ प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया। सरायकेला 1620 में बना, उसके कुछ सालों के बाद खरसवां गढ़ बना, इसको प्रिंसली स्ट्रीट के रूप में देखा गया। तो खरसवां गढ़ में भी उन लोगों ने उस टाइम में वहाँ के जो लोक कल्चर थे, लोक कलाएं थे, उसके लोग उन लोग भी बोल दिया कि छऊ नाच। पहले उन लोग भी मुखौटा पहनते थे, श्री गणेश का पहनते थे, कुछ पशु पक्षी का होते तो पहनते थे, वो कहाँ से लाएंगे, वो लोग पहन नहीं करते थे, तो उन लोग भी उसको छऊ करने लगा। जब यहाँ पर हमने 1994 में निरीक्षक के रूप में ज्वाइन किया यहाँ पर, और मैं 22 तक रहा, 95 में महिलाओं को लाने का श्रेय हमारा ही कला केंद्रों को जाता है, क्योंकि मैंने वो तकलीफ से गाली सुनते हुए बच्चे लोग को, बच्ची लोग को लाया महिलाओं को आगे बढ़ाने का। उसके बाद क्या हुआ कि हमने उसको 2000 से खरसवां छऊ को एक टेकअप किया कि वो भी हमारे झारखंड के और यहाँ के कला हैं, उसको छऊ के रूप में हमने उसको टेकअप करके वहाँ भी सिखाने का कोशिश किया। एक छोटा सा केंद्र वहाँ पर हम लोगों ने बनाया। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता आ रहा है और पूर्वी राज्यों के इतिहास और परंपराओं में गहराई से निहित है। छऊ नृत्य लोक नृत्य का एक अनूठा और जीवंत रूप है जो अत्यधिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। सदियों पुराना होने के बावजूद यह प्रासंगिक बने रहने में कामयाब रहा है और युवाओं के बीच इसकी वर्तमान लोकप्रियता यह सुनिश्चित करती है कि आने वाले वर्षों में कला का यह अद्भुत रूप फलता फूलता और विकसित होता रहेगा। जिंदगी गुजारने के लिए मनुष्य को कई भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जिंदगी जीने के असली मायने तब तक परिभाषित नहीं होते जब तक हम अपने साथ अपनी संस्कृति और धरोहर को साथ लेकर नहीं चलें। यह हर पीढ़ी की जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कृति को उसी वास्तविक रूप में सौंप कर जाएं। यूनेस्को द्वारा छऊ नृत्य को 2010 में विरासत नृत्य का दर्जा दिया गया था। ये वही छऊ नृत्य है जिसका जादू कुछ इस प्रकार चला था कि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके साथ ही बॉलीवुड की मेगा हिट फिल्म बर्फी का ये एक अभिन्न हिस्सा बन गया। ज़रूरी है कि इस अनमोल कला को हम इसके वास्तविक रूप में संजो कर रखें।